हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले दो वीडियो जो हमने पढ़े थे स्क्वायर के, कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहला भी वीडियो था यूनिवर्सल मेथड, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर इसके पहले वो वीडियो देखिएगा। और उसके बाद स्पेसिफिक केस फर्स्ट पढ़ा था, स्पेसिफिक केस हम सेकेंड पढ़ेंगे। देखिए, जितने भी वीडियोज आएंगे मैथ के अभी हाल फिलहाल में, वो सब के सब आपकी कैलकुलेशन को बहुत अधिक इनहेंस करने वाले हैं, आपकी कैलकुलेशन को बहुत बढ़ाने वाले हैं। ये स्पेसिफिक केस सेकंड में क्या है, जब कोई नंबर आपको 100 के आसपास दिखे तो उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे करते हैं। मैंने फिर कहा कि अगर यूनिवर्सल मेथड है तो हम कर सकते हैं। मैंने पीछे करके भी दिखाया था कि 100 के आसपास का नंबर 112 और 113 लिया था। लेकिन अगर वही नंबर आपको जल्दी करना है उसका स्क्वायर, तो कैसे करेंगे। देखिए, जैसे एक नंबर है 104, इसका स्क्वायर करना है। बस ध्यान इतना देना है कि जब नंबर 100 के आसपास हो तो बेस हमेशा हम 100 मानकर चलते हैं। कितना मानकर चलते हैं? 100। बेस 100 मानकर चलते हैं। क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा, अभी देखते हैं कि ये नंबर 100 से बड़ा है या कम है। 100 से बड़ा है, 100 से अधिक है, कितना अधिक है? 400 से अधिक है। इसी नंबर में 4 और एड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 108। वो 108 पूरा नंबर लिख लीजिए। 100 से जितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा है उस नंबर का स्क्वायर। 100 से कितना ज्यादा है? 4। 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16 आगे लिखेंगे। बस ध्यान इतना देना है कि इस नंबर के बाद, ये जो हम लिखते हैं इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ दो नंबर लिखने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर लिखने होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आगे बताऊंगा। जैसे 100 से कितना ज्यादा है? 4। 4 और जोड़ देंगे 108। 108 लिख लेंगे। जितना 100 से ज्यादा होगा उसका स्क्वायर, 100 से 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16। यहां पे दो ही नंबर आ रहे हैं तो 16 लिख देंगे। ये स्क्वायर हो गया आपका 104 का। दूसरा देखिए, 108 का स्क्वायर 100 से कितना अधिक है? 8 और ऐड कर देंगे 116 पूरा लिख लेंगे। 100 से कितना अधिक है? 8 का स्क्वायर 64। ये स्क्वायर होता है 108 का। समझ में आ रहा है? 112 का स्क्वायर करेंगे, 100 से कितना अधिक है? 12 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 124। और 12 का स्क्वायर 144। देखिए, इसमें तीन नंबर्स आ रहे हैं, तीन नंबर्स आ रहे हैं। मैंने अभी कहा कि इसके बाद हमें कितने नंबर्स लिखने हैं? दो नंबर्स लिखने हैं। तो हम करेंगे क्या, इस तीन नंबर में जो 124 पहले वाला एक है, इस पहले वाले नंबर में ऐड कर दीजिए और 24 एज इट इज लिख लीजिए। 124 एक पहले वाले में ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? 1 2 5 2 4, यानी 112 का स्क्वायर 12,524। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, 118 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है? 18 और जोड़ देंगे 136। ठीक, 18 का स्क्वायर याद ही नहीं है, 324। तो 324 में जो पहले वाला 3 है वो कहां पे ऐड कर देंगे? 3 के साथ, और बचा हुआ 2 4 लिख लेंगे, यानी 1 3 9 2 4। ये किसका स्क्वायर हो गया आपका? 118 का। 125 का स्क्वायर, कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। 100 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है, 25 और जोड़ देंगे 150। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो पहले वाला 6 यहां पे लिखेंगे और 2 5 यहां पे, कितना हो गया? 100 और 656 25 156 या 25, यानी 15,625 125 का स्क्वायर। समझ में आया? एक और नंबर देखिए, 102। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, 102 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 और ऐड कर देंगे, 2 और जोड़ देंगे 104। 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर
चार। अब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर आ रहा है, कितना? एक, वो है चार। हमें इसके बाद कितना नंबर लिखना होता है? दो नंबर। तो इस चार को हम दो नंबर बना लेंगे, कैसे? इसको हम जीरो चार लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? यानी 102 का स्क्वायर 10,404। दूसरा नंबर देखें इसी तरह, 103। 100 से कितना अधिक है? तीन अधिक है, तीन और जोड़ दीजिए, 106। और तीन का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर 9। फिर से सिंगल नंबर आया, 09। जीरो खुद से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो गया 103 का स्क्वायर 10,609। समझ में आया? ये तो वो नंबर्स हो गए जो 100 से बड़े हैं। सेम इसी तरह हम निकाल सकते हैं जो नंबर 100 से छोटे हैं। देखिए, जैसे 92 का स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है? अब यहां पे आपको ये देखना, ये नंबर 100 से कम है, अभी तक 100 से अधिक थे, अब 100 से कम है। 100 से कितना कम है? 8। इसी नंबर में 8 और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? इसी नंबर में 8 और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 86। और 8 का स्क्वायर 64। ये स्क्वायर हो गया 92 का। समझ में आया? 100 से जितना कम है उतना और माइनस कीजिए, 100 से जितना कम है उतना और माइनस कीजिए, लिख दीजिए जितना कम है उसका स्क्वायर 64। यहां भी दो नंबर ही लिखने हैं बाद में, ठीक। जैसे देखिए 97 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है? तीन। तीन और माइनस करेंगे इसमें से, तीन और माइनस करेंगे इसमें से, 97 में से तीन माइनस करेंगे तो 94। कितना कम है? तीन कम है, तीन का स्क्वायर 9। लेकिन सिंगल नंबर मिल रहा है, हमें कितना चाहिए? दो नंबर चाहिए, तो हम 0 लिख लेंगे। ये 97 का स्क्वायर होगा, ठीक। सेम इसी तरह 98 का स्क्वायर 100 के आसपास है, 100 से कितना कम है? इसमें से दो और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 98 से दो और माइनस करेंगे तो 96। और जितना कम है उसका स्क्वायर, दो कम है 100 से, दो का स्क्वायर 4। सिंगल नंबर आ रहा है 04। 85 का स्क्वायर, इसको आप तीनों तरीके से कर सकते हैं, यूनिवर्सल मेथड है, अंत में 5 है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 100 से कम है, कितना कम है 100 से? 100 से 15 कम है, इसमें से 15 और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 70 यानी 70। और 15 का स्क्वायर 225। तीन नंबर आ रहा है, हमें कितना नंबर चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दो नंबर। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, पहले वाले दो को यहां पे ऐड करेंगे और बाद में 25 ऐसे लिख लेंगे, यानी ये कितना हो गया? 7225। यानी 85 का स्क्वायर कितना हो गया? 7225। एक और नंबर देखते हैं, 89 का स्क्वायर, 100 से कम है, 100 के आसपास भी है, 100 से कितना कम है? 11 कम है, इसमें से अगर 11 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। और 11 का स्क्वायर 121। 121 आपको पता है, हमें इधर सिर्फ दो नंबर लिखने हैं, पहले वाला एक एक में ऐड कर दीजिए और बाद में दो एक लिख दीजिए, यानी कितना हो गया? 79। क्या पूरी तरह से समझ में आ गया? तो इसी तरह से आपको एक और वीडियो मिलेगा स्क्वायर पे बेस्ड, लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का। रुक जाइए, तब अगर इसके पहले दो वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आपको वो नहीं देखा है आप लोगों ने, तो डेफिनेटली उसको देखिए, आपको मजा आएगा। और ये सीखने से आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, ये विश्वास मानिए, ठीक ऐसा ही होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।